ऐसा नहीं है, ये तो मेरा एक शौक है जिसके हिसाब से ये मैं सारा करता हूँ। बाकी मैं एक कंपनी में छोटी सी जॉब करता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है क्वाड्रेंट टेलीवेंचर्स लिमिटेड, इस कंपनी में जॉब करता हूँ। और सब मित्रों की तरह मैं भी अपने जो भी 10-12 घंटे की नौकरी करता हूँ, और नौकरी के बाद बड़े आराम से ही शाम को मैं भी अपने घर जैसे सारे लोग जाते हैं वैसे जाता हूँ। ये देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा था बेलपत्री, ये हमारे ऑफिस की बेलपत्री का पेड़ है और इसमें कितने कितने बड़े विल लगे हुए हैं, आपको दिख रहे होंगे ये विल, ये महादेव जी के चढ़ते हैं। इन विलों से महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत अति प्रसन्न होते हैं, और शिवरात्रि को ये विल महादेव जी जो भी श्रद्धा से महादेव के चरणों में जाता है वो महादेव जी इनको स्वीकार करते हैं और उनकी हर आशा हर मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी कोई जो भक्त अपनी मनोकामना लेकर जाता है वो उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब ये देख सकते हैं आप गुलाब का फूल, ये है गुलाब का फूल। तो देखो कितनी बड़ी बात है कि एक गुलाब का फूल खिलता खिलखिलाता हुआ, और बाकी फूल भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तिरंगा, ये मेरे ऑफिस की बाउंड्री के साइड में एक बहुत बड़ा तिरंगा है जो कि हमारे भारत की शान है। और ये सारे बड़े बड़े पेड़ ये सब मेरे ऑफिस की बाउंड्री में ही हैं, और ये ऑफिस की एक छोटी सी गार्डन है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा था लेमन, ये हमारे एक लेमन का पेड़ है। ये ऑफिस में बहुत सारे लोग, बहुत सारे का मतलब होता है तकरीबन ऑफिस के लोग, जब भी किसी को खांसी गला ख़राब वगैरह कुछ भी होता है तो यही यहाँ से लेमन लेकर अपना गर्म पानी में डालकर पीते हैं और उनके गले यहीं से एक आयुर्वेदिक तरीके से ही साफ़ हो जाते हैं। और उसके अलावा जब गर्मियाँ आती हैं, कोई गेस्ट आता है, खुद भी जब किसी का कोई पेट खराब हो रहा है, किसी को गर्मी है, तो हम ऑफिस के सारे लोग मिलकर यहीं से लेमन उतार कर और लेमन का जूस भी पी लेते हैं, जिसको लेमन पानी कहा जाता है, वो भी हम ऑफिस से ही तैयार कर लेते हैं। नेक्स्ट ये पेड़ मैं दिखाऊँ आपको, बहुत बड़ा शानदार पेड़, इसमें बहुत येलो कलर के फूल होते हैं। अब तो एक्चुअली फूल नहीं हैं इस टाइम, लेकिन और कुछ दिनों में ये फूल आ जाएंगे, और यहाँ बहुत बड़े फूल होते हैं। ये ट्री मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये ट्री है जी हमारे क्रिसमस ट्री। तो अब दिसंबर में जब भी क्रिसमस का फेस्टिवल आता है तो हम इसको बिल्कुल लाइटों से स्टारों से पूरा फिल कर देते हैं, और क्रिसमस का त्यौहार भी बड़े शौक से सारे मिलकर मनाते हैं। तो ये रहा हमारे पास, ये इसको प्लास्टिक प्लांट कहते हैं, ये भी बहुत बड़ा अच्छा, और इसके पत्ते जो होते हैं बिल्कुल प्लास्टिक जैसे दिखते हैं, लेकिन ये प्लास्टिक के होते नहीं, ये ओरिजिनल होते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं आप, लगते हैं प्लास्टिक लेकिन ये पेड़ है। इस पेड़ को आप देख सकते हैं ज़मीन से लेके ऊपर तक आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये भी आपको मैं एक बेलपत्री का पेड़ दिखाने जा रहा हूँ, इसमें भी देखो आपको ऊपर अच्छा सा बिल लगा हुआ नज़र आता होगा, और ये पेड़ भी यहाँ जड़ से लेके ऊपर तक देखो आप, ये हमारे ऑफिस की सारी ऑफिस की प्रॉपर्टी में सब कुछ है। दूसरा ये मैं आपको एक पेड़ दिखा रहा हूँ, बहुत ही शानदार, और इसमें वाइट किस्म के फूल लगते हैं। अब देखो इसके फूल लगने के लिए कलियाँ, अब तो कलियाँ निकल रही हैं, अब ये कलियाँ हैं, फिर इससे फूल आ जाएंगे। जैसे ये देखो ये आ गया गलदोदी, ये इसको कहते हैं गलदोदी का पेड़, ये कौन सा पेड़ है गलदोदी। तो ऐसे ही कई किस्म के पेड़ और